नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपका लेकर आया है करोल बाग। और आज हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ में सफाई आयोग के चेयरमैन हैं संजय गहलोत जी, और उन्हीं से जानेंगे आज कि किस तरह की समस्याएं एमसीडी विभाग के अंदर सफाई कर्मचारियों के साथ आ रही है। क्योंकि कई वर्षों से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे रिटायर भी हो जाते हैं, उन्हें रिटायर कर भी देता विभाग, लेकिन वो पक्के नहीं हो पाते। और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ समय के लिए लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर उनको हटा दिया जाता है, उन्हें ये बोलकर कि आप लोगों का पैनल में नाम नहीं है। इस तरह की धांधलियाँ कितनी हैं और क्या कुछ इस पर कर रहे हैं, उसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले टैलेंट ऑफ इंडिया आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, जैसे आपने पूछा है, ना केवल एमसीडी में बल्कि एंटायर दिल्ली में, संपूर्ण दिल्ली में जो देश की राजधानी है, यहाँ जो हमारे सफाई कर्मचारी जो विभिन्न महकमों में काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के महकमे हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या हमारे एमसीडी के हों, और इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा दुखदाई आज की तारीख में वो है हमारे ठेकेदारी पे काम कर रहे सफाई मजदूर और हमारी महिलाएं। स्कूल हों, चाहे दूसरे संस्थान हों, चाहे वो अस्पताल हो, वहाँ बहुत सारे सफाई कर्मी काम करते हैं ठेकेदारी में। मैं रोज़ाना यहाँ हियरिंग पर देखता हूँ, उन लोगों को पहले लगा लिया जाता है, उसके बाद विदाउट एनी राइम एंड रीज़न उनको हटा दिया जाता है कि तुम कहीं भी जाओ। और यही काम सरकारी डिपार्टमेंट में भी हो रहा है। अभी आज हमारी यहाँ हेयरिंग थी, हेयरिंग के दौरान 4 तारीख है, आज 4 अप्रैल है। इसमें शायद आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे केस नरेला जोन के आज लगे हुए थे यहाँ पे। नरेला जोन में ऐसा देखने में आया, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पहले 2-4 साल काम करा लिया, उसके बाद कह दीजिए आपका कोई पैनल में नाम नहीं, आप चले जाओ यहाँ पे। तो हमारा जो सफाई कर्मचारी कम पढ़ा लिखा है, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, तो इसमें जिसने लगाया उसकी गलती है और जो हटा रहे उनकी गलती है। तो लिहाजा हेयरिंग पे जो अधिकारी होते हैं उनको हम तलब कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाएंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। सर, जिस तरह की वो कह रहे हैं कि पैनल में नाम नहीं है, जो सैलरी बनती है क्या उनको कैश दी जाती है या उनके अकाउंट में जाती है? वो देखिए, जहाँ तक हमारी मतलब तजुर्बा है, मैंने देखा है, जो 2004 और 2005 से चाहे आपकी 1 रुपये सैलरी बने, चाहे आपकी 1 लाख रुपये सैलरी बने, वो जाएगा ही आपका उसमें बैंक अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आता है सैलरी कुछ और होती है, उन्होंने बहुत सारी धांधलीबाजी हैं जिसे मना नहीं कर सकता। इसके लिए अब हमने वकीलों का इंतजाम भी किया है यहाँ पे, और कुछ अधिकारी बुलाए हमने यहाँ पे। पहले क्या होता था ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन जब से चार्ज मिला है मुझे, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सफाई कर्मचारी भी रहा हूँ, हमारे जो सफाई कर्मचारी उनके क्या मेन जो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किस प्रकार वो भुखमरी कगार पर अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो लिहाजा जो हमारे सफाई कर्मी सुन रहे हैं आज इस बात को, उन सबको बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है और बेफिक्र भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब उनको न्याय लाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सबको न्याय मिलेगा, बशर्ते वे लोग आके अपनी एक बार यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराएं। एक तरह कोर्ट है मतलब ये, और कोर्ट में यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, लेट सवेर होता है, क्योंकि कहावत भी ना, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, यहाँ देर है अंधेर नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। और चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दूसरी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबके जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबके लिए खुला दरबार है एक तरह का, कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करके न्याय पा सकता है यहाँ से। सर, एक चीज़ और जो है सबसे गंभीर जो समस्या है वो ये है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण कोई नहीं होता उनके पास, जबकि शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये सब अप्रूव किए जाते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो या कोई भी हो, लेकिन वो उनको अधिकारी वो उनको देते नहीं हैं, फटी पुरानी कोई भी ड्रेस ठाके उनको जो है पकड़ा देते हैं। क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है नहीं की जाती? देखिए, बहुत साल पहले की बात है, किसी प्रधानमंत्री जी का मैंने एक बयान सुना था जी। वो कहते थे कि जी हम यहाँ अगर 1 रुपये रिलीज करते हैं तो वहाँ जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। बिल्कुल, ये सच्चाई थी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि अब जो हमारा ये सामान जो मिलता तो, लेकिन कागज़ों में सिमट जाता है वो। हमारे जो कर्मचारी से एक झाड़ू चाहिए, झाड़ू कम से कम 100-150 रुपये की झाड़ू आती है अच्छी वाली यहाँ पे, वो भी कर्मचारी खुद मजबूर है लेने के लिए, एक तो सैलरी नहीं मिल पा रही, ऊपर से झाड़ू नहीं है, तो वो कहता है भाई तेरी हाजिरी नहीं भरूंगा मैं तब तक वो झाड़ू लेके आओ यहाँ, तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात का खुलासा करने वाला हूँ कि आज या हसद कल में ये पता चल जाएगा सबको कि कहाँ घोटाला होता, रोजा नहीं, एमसीडी के जो भी घोटाले किए हैं यहाँ पे, उन सबका पर्दाफाश किया जाएगा, और कल या परसों में रिपोर्ट आने वाली है आपके पास में।
तो ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आप लोगों की तरफ से? सर बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, उनका ऑडिट किया जाएगा और सोशल ऑडिट भी कराने वाले हम। जो कर्मचारी को अधिकार था उसका जो शोषण हुआ है, मानसिक भी शोषण हुआ, उसका आर्थिक शोषण भी जो हुआ है वो क्यों हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स जो उसका वायलेशन है, इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। और कर्मचारियों तक वो सामान नहीं पहुंच पा रहा, बीच में कहाँ उसका धालमेल कर रहे हैं लोग, बाहर कहाँ काला बाजारी हो रही है, ये सब भी पर्दाफाश करेंगे हम। जो कुछ कर्मचारी जो है ऑन ड्यूटी पर ही जिनकी मौत हो जाती है, उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय लग जाता है, तो क्या कुछ उन पर जो अगर वो समस्या बताते हैं अपने परिवार के लोग, और क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जाती है? देखिए ऐसा है कि ऑन ड्यूटी का एक प्रोविज़न है, इसमें जो भी हमारे लेबर डिपार्टमेंट में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसकी भी डेथ कैसे हुई है, क्या कुछ हुआ है। उसके अलावा जो डेथ नेचुरल डेथ होती हैं उसमें प्रोसीजर है कि बार बार जो कंपनी का बोर्ड बैठता है, बल्कि हम तो उसको और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इसमें हो गया क्या, चाहे MCD 1 हो जाए चाहे 3 में रहे, कुछ भी रहे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कर्मचारी का जो भी कंपनी राउंड मामले वो जल्दी जल्दी बोर्ड बैठे, एक बार अटेंडेंस का, फिर दूसरी बार भी, फिर उसके बाद बोर्ड बैठता है, तो इस चक्कर में 3-4 साल लग जाते हैं और कर्मचारी को ये नहीं पता चल पाता वो परमानेंट भी कब होगा। अगर किसी का ऑर्डर हो भी गए तो उसे ये नहीं पता चलता वो परमानेंट भी कब होगा, 20-20 साल से धक्के खा रहे हैं। कंपटीशन ग्राउंड की अगर बात करूं तो 2003 तक के पक्के में हमारे पास में आता, उसके बाद कोई पक्का ही नहीं हुआ। और 2003 से लेकर आज की बात करें तो 17 और मतलब 19 साल कंपटीशन ग्राउंड वाले, सरकार का तो फायदा हो रहा है उसमें, जो कर्मचारी जीवित थे आज वो 50,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद 12,500 रुपये तनख्वाह लेने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ता है। उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत भ्रष्टाचार है, यहाँ बताने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला, इनका इंजाम करने वाले हम। चलिए अगर बात की जाए, अब तीनों MCD को ही किया जा रहा है, उससे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा? देखिए इस सवाल में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारा जो कर्मचारी वो अपने काम करने में अपनी इच्छा जाहिर करता है और काम करके ही अपनी तनख्वाह लेता है, बहुत हलाल का पैसा वो लेता है, अपनी मेहनत का पैसा लेता है, पसीने निकालता है अपना दिन वहाँ अपनी ड्यूटी पे, तब जाकर उसको तनख्वाह मिल पाती है। MCD 1 रहे या 3 भाग में हो जाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए अभी केवल कहा जा रहा है कि तनख्वाह मिल जाएंगी, हम तो तब जानेंगे ना जब 1 हो जाए बाद में और तनख्वाह टाइम पे मिलने लगे, क्योंकि ये तो मैनिफेस्टो हो इनका या कुछ भी, सरकारों का बार बार कहते हैं जब हम ये कर देंगे, लेकिन किया नहीं किसी ने भी आज तक भी। और देखिए इसमें बहुत बड़ा घाटा भी होने वाला है हमें, घाटा क्या होने वाला है, अभी कुछ पॉलिसी ऐसी हैं, सपोज करें पूर्वी दिल्ली में एक पॉलिसी है कि कोई कर्मचारी 8-10 साल अगर एबसेंट भी उसको ड्यूटी पर लिया जाएगा, अब जैसे एक में एमर्ज हो जाएगी तो पॉलिसी वो खत्म हो जाएगी, दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा कुछ पॉलिसी साउथ दिल्ली में एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ लोगों को एरिया मिल चुके हैं, अब वहाँ देंगे नहीं देंगे ये अलग बात है। इसमें एक दिक्कत और आ रही है, किसी किसी दिल्ली में 2003 तक के पक्के करने शुरू कर दिए, कहीं नहीं हो पा रहे, फिर बाद में कहेंगे जी 1 हो जाएगी, 1 होने में 2-3 साल का प्रोसेस रहेगा, फिर हमारे घर में सड़कों पर धक्के खाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखिए अगर कुछ करना भी था, कुछ करना चाहते हैं तो क्लियर कट ऑर्डर होना चाहिए कि हम कर्मचारियों के लिए ये करने वाले हैं विद इन 15 डेज और विद इन 1 मंथ हम ये करने वाले हैं, तब तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, बाकी तो सारे सब्ज बाग हैं, कोई भी आता है लूट के चला जाता है, क्या फ़ायदा बताऊंगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो सेंटर के अंडर हो जाएगा तो उसमें काफ़ी कर्मचारी फायदा होगा? नहीं, बेकार की बातें हैं, पहले भी तो एक थी, उन्होंने पहले क्या कर दिया, क्या किसी को गवर्नर बना दिया सरकार ने? अगर किसी सफाई कर्मचारी गवर्नर बना दे तो आप मुझे बता दीजिए, तो चाहे वो 3 हो चाहे 1 हो, कर्मचारी अपना काम करना, उसे अपनी तनख्वाह लेनी है, टाइम भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी। हाँ उन्हें कर्मचारी को आसानी जरूर हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था जगह जगह प्रदर्शन करने पड़े थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके दरवाजे खटखटाए जाएंगे, सर्वे की जगह जाएंगे तो जी बिल्कुल जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, जगह जगह तो नहीं जाएंगे लेकिन एक जगह जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तो उससे शायद और जल्दी काम बन जाएगा, जल्दी इतना फायदा हो सकता है, बाकी नुकसान भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। चलिए बहुत अच्छी बात है, और गहलोत जी आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है, और हम कोशिश करेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी जो देख रहे हैं, वो जो भी समस्याएं हैं आपकी, आप संजय गहलोत जी तक आइए, आप सफाई आयोग में आकर अपनी समस्याएं रखिए, जिससे आपकी अगर कोई भी समस्या है तो उसको जल्द से जल्द अधिकारियों के साथ बैठकर उसे सॉर्ट आउट किया जाए। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी।